गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 3, दिस इज योर ग्रामर क्लास। इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडी अबाउट आर्टिकल्स। नॉट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वेयर वी कैन यूज दी। ठीक है, हम लोग दी का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज नंबर 35। नाउ स्टार्ट। दी इज यूज्ड बिफोर दी नेम्स ऑफ रिवर्स एंड ओशन। हम लोग द का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, किसी रिवर्स या ओशन के नाम के पहले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, द गंगाज, द कावेरीज, ठीक है, द थेम्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले क्या यूज़ करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, हम लोग दी का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, सेलेस्टियल बॉडी के पहले। ठीक है, जैसे कि सन है, मून है, अर्थ है, इसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट वन, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर। किसी न्यूज़पेपर के नाम के पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, द इज ऑल्सो यूज बिफोर अ नाउन डैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड बिफोर। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं द का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, नाउन के पहले भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, आई हैव अ बॉक्स, द बॉक्स इज़ वेरी लाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नाउन के पहले किसको यूज़ किया गया है, द का। नेक्स्ट वन, दिस इज़ अ कैट, द कैट इज़ वेरी प्लेफुल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग पेज 36 में। ठीक है, ए टिक द करेक्ट ऑप्शन। आप लोगों को क्या करना है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप लोगों को टिक लगाना है। ठीक है, फर्स्ट वन, अ ऑस्ट्रिच, उसके बाद क्या है, एन ऑस्ट्रिच। अब आप लोग को बताना है इसमें आ लगेगा या फिर एन लगेगा। ठीक है, उसी तरह आप लोग को यहाँ पे बनाना है 1 to 10। ठीक है, उसके बाद आप लोग का है बी, पेज नंबर 37 में। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और दी। आप लोग को इसमें क्या करना है, ए एन दी का प्रयोग करना है। ठीक है, फर्स्ट वन आप लोग का लिखा हुआ है, अंकिता इज डैश स्वीट गर्ल। अब आप लोग को बताना है इसमें आ लगेगा, एन लगेगा या फिर दी लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आ अंकिता इज अ स्वीट गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट वन आप लोग का दिया हुआ है, डैश गंगाज रिवर इज लोकेटेड इन नॉर्थन इंडिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दी का प्रयोग होगा। ठीक है, उसी तरह आप लोग का दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आप लोग को क्या करना है, इसमें आर्टिकल चैप्टर में पेज नंबर 36 और 37 को बुक में फिल करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।